अना पाकिस्तानिया, और इसके बाद क्या बोलोगी? अना मिन पाकिस्तानी, अना मिन पाकिस्तान, अना मिन पाकिस्तान, पा अभी में नहीं होता तो हम इसको बा बा जी जी पाकिस्तान ओके दोनों में फर्क समझ आ गई जिंसिया और नेशनलिटी और कंट्री में जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी जज़ाकअल्लाह खैर डॉक्टर ताहिरा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू आप और आयशा सुमैया आयशा सुमैया जी जी सलाम आप दोनों वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू आप दोनों अगला कन्वर्सेशन शुरू करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम وعليكم السلام من اين انت من اين انت نہیں جو اپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے ہاں جی جی میم مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا سکرین پر احمد درش خامی چلو ہاں ہم کو نظر آ رہا میم اچھا کس کو نظر نہیں آ رہا ہے जी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा सिर्फ डन स्पीकिंग आ रहा है अस्सलाम वालेकुम आप अपना सेटिंग्स देखें कुछ शायद हां कोई और जिसके पास नजर आ रहे हैं गुलफशा यस हां मुझे आ रही है फिर आप कंटिन्यू करें आप कंटिन्यू करें वालेकुम सलाम जी कंटिन्यू करें गुलफशा और डॉक्टर ताहिरा मैं स्टार्ट करूं क्या जी जी स्टार्ट करें जी स्टार्ट अब मैं कैसे करूं मुझे यहां पे लिखा हुआ कुछ भी नजर नहीं आ रहा है मैम तो थोड़ा सा आप लीव करके फिर ज्वाइन करें जिसको नजर नहीं आ रहा है आप लीव करके ज्वाइन करें जिसको नजर आ रहा है कन्वर्सेशन अस्सलाम वालेकुम माइक्स म्यूट करें जो पढ़ रहा है बस वही माइक खोलें अपना बाकी सिस्टर्स प्लीज प्लीज अपना माइक म्यूट करें जी आगे पढ़ें हां मैम कौन-कौन पढ़ना है मैम डॉक्टर ताहिरा और गुलफशा उनको तो स्क्रीन दिखाई नहीं दिख रही दे रही थी ना डॉक्टर ताहिरा को डॉक्टर ताहिरा को नहीं दिखाई दे रही है ठीक है फिर गुलफशा और मायरा खान जी अस्सलाम वालेकुम मैं अर्शी बोल रही हूँ वालेकुम अस्सलाम मैं गुलफशा ओके अस्सलाम वालेकुम जवाब दे दें गुलफशा वालेकुम अस्सलाम हाजा उख उखी हुआ मुदर्रिस अखी अखी अलिफ पे ज़बर है अखी अखी अख यानी भाई अखी मेरा भाई ठीक है अभी आप कन्वर्सेशन कर रही हैं मीनिंग समझ आ रही है अगर मीनिंग नहीं समझ आ रही है तो मीनिंग भी बता दें जी नहीं नहीं मुझे समझ आ रही है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी शुरू करें हाजा अखी हुआ मुदर्रिस अहलन व सहलन हाजा सादिकी सदीकी सदीकी अच्छा हाजा सदीकी हुआ मुहंदिस अहलन व सहलन मा सलामा मा सलामा माशाल्लाह ठीक है यहाँ जो जो न्यू वर्ड्स अखी का मीनिंग बताएंगे कोई अखी का मीनिंग ब्रदर बस ब्रदर भाई मेरा भाई नहीं आया सही है मुदर्रिस टीचर सदीक सदीकी दोस्त दोस्त मेरा दोस्त मेरा दोस्त मुहंदिस इंजीनियर इंजीनियर जी अहलन व सहलन वेलकम मासलामा गुड सलाम के साथ
ठीक है सर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, अभी नैयर, नैयर जी जी आप और आमना जिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शुरू करें नेक्स्ट वाला कन्वर्सेशन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। هذه اختي هي طبيبه اهلا وسهلا। هذه صديقتي هي طالبه اهلا وسهلا। مع السلامه। مع السلامه। माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ के जो वर्ड्स हैं वो बता दें। उख्ती, मेरा मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन, सॉरी जी। ये मोनस के लिए जो हमने पहले किया था वो मुजक्कर था। और तबीबा, डॉक्टर, सदीकती, दोस्त, मेरी दोस्त, मेरी सहेली, हाँ, तालिबा, इसमें मुझे फर्क बता सकते हैं जो मुज़क्कर में और मुअन्नस में हमने लिया है लेसन, इसमें फर्क क्या है? तालिबा जो है वो मुअन्नस है क्योंकि इसमें गोल ता आ रहा है, अलामत नजर आ रही है, और उसमें तालिबा, और उख्ती जो है वो लड़की के लिए, और अखी जो है वो मेरा भाई, इसमें भी ता जो है मेरी सहेली, और सदीकी जो है वो मेरा दोस्त, सदीकती जी। तो इस लेसन में एक चीज हमने ये सीखना है कि जो नाउन्स यूज होते हैं अगर उसमें आपको ता मरबूता नजर आता है, ये गोल वाला ता, तो ये हो जाएगा मुअन्नस, अगर ये नहीं है तो वो मुज़क्कर, मुज़क्कर। और जो अस्मा इशारा है यानी हादा और हादी, इसका फर्क याद रखें आप। हादा हम इस्तेमाल करेंगे सिर्फ मुज़क्कर के लिए, और हादी ही इस्तेमाल होगा मुअन्नस के लिए। ओके, तब कभी आप ये हादही वाला कलिमा देखेंगे तो समझ जाना चाहिए कि इसके साथ मुअन्नस आएगा। ठीक है, और यहाँ ये जो दमीर है हुआ हुआ, हुआ यानी ही, जेंट्स के लिए, मुज़क्कर के लिए, और हिया तबीबा, हिया तालिबा, तो हिया मुअन्नस के लिए। ठीक है, ये फर्क, हादा मुज़क्कर के लिए, हादी ही मुअन्नस के लिए, हुआ मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए, मुअन्नस के लिए। जी शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट, अभी हम एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं, कॉन्वर्सेशन हमारे खत्म हुए। अंजुम, अंजुम जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम अंजुम, आप यहां से मुझे पहले चार कलिमात के माने बता दें। मुदर्रिस, टीचर, तालिबा, स्टूडेंट, तबीबा, लेडी टी, वो सॉरी डॉक्टर, मुहंदिस, इंजीनियर। जी ओके शुक्र। तो यहाँ मुज़क्कर कौन से हैं? ये मुदर्रिस मुज़क्कर है, और तालिबा मुअन्निस है, तबीबा मुअन्निस है, मुहंदिस जो है वो मुज़क्कर। माशाल्लाह बहुत फौजिया, फौजिया जफर फौजिया जफर फौजिया जी, हफ्सा, हफ्सा निशा जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं फौजिया जी। जी फौजिया जी, आप ये नेक्स्ट फोर लेटर्स जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग बताएंगी। जी जी मैं बताती हूँ, जी बहन, सदीक, दोस्त, सदीका, सहेली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा नाम नहीं है बाजी, मुमताज दर्द। अस्सलाम वालेकुम, मैं आ रहे हैं। देखिए आप अगर अपने माइक म्यूट नहीं करेंगे तो इको आ रहा है, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं देगा।
आप माइक म्यूट करें, जिसको मैं कहूंगी बस वही ओपन करेंगी माइक। हफ्सा, निशा, अस्सलाम वालेकुम उस्ताजा जी। ये जो थर्ड लाइन है वो पढ़ें आप, इसके मीनिंग बता दें। अना में लड़का, अना में लड़की, अंता तुम लड़का, अंती तुम लड़की। ठीक है, तो अना दोनों के लिए मुजक्कर और मुअन्नस में एक ही आएगा, अना। अंता लड़के के लिए और अंती लड़की के लिए, सही। और किसने पढ़ा था अभी, हफ्सा की निशा, दोनों है इधर या एक ही है? उस्ताद दोनों है, अभी हफ्सा ने पढ़ा था। निशा आगे का नीचे का पढ़ सकती हो? उस्ताजा वो छोटी है इसलिए वो उसको पढ़ने नहीं आता, वो सिर्फ सुन। ओके, कोई बात नहीं। कंवल, कंवल महर, अस्सलाम वालेकुम बाजी, मेरा नाम मुमताज बाजन है। मैं आ रही हूँ आपके नाम की तरफ, मैं लाइन से आ रही हूँ, जिसका मैं अभी नाम पुकार रही हूँ बस वो जवाब दें। कंवल, कंवल महर, कमल जी है कि नहीं? मदीहा, मदीहा नूर, वालेकुम सलाम। हाँ मदीहा जी, ये आखिरी लाइन पढ़ के सुना दें। जी और ही और हिया, जी हादा ये, हादी ही ये खरीब के लिए, और हुआ वो, हिया शी मुअन्नस के। ठीक है, अब चलते हैं हम जिंसिया और मुल्क की तरफ। मरियम बाजी आप आंसर करेंगी? अस्सलाम वालेकुम टीचर, मुझे कह रही हैं आप? जी नहीं, मरियम बाजी, मरियम एहतिशाम। अच्छा, मैंने कहा शायद आप मुझे बाजी कह रही। चलिए मरियम, मरियम उज्जान, मरियम, मरियम उज्जान, मरियम उज्जान, अभी थोड़ी देर पहले टेक्स्ट कर रही थी कि क्लास हो रही है, मैंने कहा जी हो रही है, आप आ जाएं। जी वो है इधर, म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं हो रही है। ठीक है मरियम जी, आप बता दें, आप बता दें। मैं बता दूं? जी मुल्क सा? और अच्छा मुल्क, पाकिस्तान, अना पाकिस्तान, पाकिस्तान जी, अना पाकिस्तानी। हाँ अना मिन पाकिस्तान बोलेंगे, पाकिस्तान शहर का नाम है। ठीक है, और सेंटेंस बोलें? नहीं सेंटेंस नहीं बोले आप, बस मुझे यही यहाँ जो है वही पढ़े, आगे के एक्सरसाइज में हम प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस की। ठीक बस शहर और इसकी जिंसी, नहीं सेंटेंस नहीं बोले मरियम जी। पाकिस्तान कंट्री है, पाकिस्तान मुल्क, और पाकिस्तानी ये शहरियत है। अच्छा ठीक है, इस तरह बोले जी, फिर से बोलो। पाकिस्तान कंट्री, पाकिस्तानी जिंसियत, तुर्किया कंट्री, तुर्किया तो जिंसियत, मिस्र कंट्री, मिस्री जिंसियत, सूरिया कंट्री, सूरिया जिंसियत। ओके ठीक है, अभी यहाँ आप फर्क देखें, कंट्री तो नहीं चेंज होगा, कंट्री पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र, सूरिया, ये तो मुअन्नस के लिए, मुजक्कर के लिए हम ये कंट्री का नाम तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन शहरियत चेंज होगी। पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी की जब हम बोलेंगे तो ये मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए कैसे बोलेंगे? मुअन्नस के लिए पाकिस्तानी या मरबूत आएगी। जी मरबूत आएगी। और यहाँ, यहाँ है
तुर्किया कंट्री है, तुर्किया यानी जिंसियत, शहरियत या जिंसियत। ओके, तो तुर्किया मुअन्नस है कि मुज़क्कर? मुअन्नस है, सॉरी, ताइमर बूटा है ना। जी जी, फिर इसका इसका मुज़क्कर कैसे बनेगा? मिस्री, तुर्की, तुर्की उस पे तजदीद के साथ तजदीद के साथ जाको पढ़ेंगे। ठीक जी, और यहाँ मिस्र शहर है इसका, मिस्री, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? मुज़क्कर। इसका मुअन्नस कैसे आएगा? मिस्रिया, मिस्रिया ता मरबूता के साथ। ठीक है, सेम थिंग, सूरिया शहर है, सूरिया। ठीक है, ये मुअन्नस है और मुज़क्कर के लिए होगा सूरी, सूरी, सूरी या आएगी सूरी। जी बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह खैर। ये जो नाम मरियम, मरियम जी जी जी, मरियम उज्जान है कि नहीं? अच्छा, मरियम उज्जान, उज्जान जो है ना, वो कंफ्यूज होंगी। हाँ जी, हाँ, ये जो मोहम्मद अबू जर लिखा हुआ है, ये कौन है? नाम बता दें प्लीज, क्लियर नाम लिखें। हां, तो मैं सीमा खान। सीमा खान जी जी, अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक मिनट, ठीक है, नंबर्स वाली एक्सरसाइज आ गई। एक सेकंड, नहीं, जी बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मुझसे भी मैम पूछ रही हैं। मैं ऑर्डर से आ रही हूँ ना, जो नाम